अभी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये है हम लोग का पांडा और उधर है रेड पांडा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वी आर राइट नाउ हियर एट दार्जिलिंग सिटी एंड वी वोक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू गेट ए व्यू ऑफ कंचनजंगा। सो वी आर हियर एट होटल कैपिटल। वी स्टेड हियर लास्ट नाइट एंड वी गॉट 3 रूम्स अराउंड फॉर 2400। इट्स अ प्रीटी डिसेंट होटल आई विल से। सुबह सुबह उठना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ठंड भी लग रहा था, बट ठीक है, सब लोग मिलके जा रहे हैं तो उसका मजा ही अलग है। सो दिस इज द वे हेडिंग टुवर्ड्स द फेमस मेल ऑफ दार्जिलिंग। सो अभी तो सब दुकान बंद लग रहा है क्योंकि इट्स अराउंड 7 इन द मॉर्निंग एंड टुडे इज द लास्ट डे ओनली एट दार्जिलिंग एंड मोर ओवर आवर नॉर्थ बंगाल सफारी। वी विल बी लीविंग द दार्जिलिंग सिटी एट अराउंड इन द आफ्टरनून सो दैट वी कैन रीच NJP स्टेशन बिफोर 6 or 7 बिकॉज हम लोग का जो ट्रेन है उसका टाइमिंग है रात का 9 बजे। तो हाथ में बहुत टाइम बफर टाइम लेके हम लोग चल रहे हैं। सो रीच्ड एट मेले गैदरिंग पॉइंट एट दार्जिलिंग। अभी मेल रोड पे मैं लास्ट 3-4 साल पहले भी आया था तो वहाँ पे इतना सारा नया दुकान नहीं था। अभी बहुत सारा नया दुकान मेरे को दिखने को मिल रहा है। सो फ्रॉम हियर द न्यू महाकाल मार्केट स्टार्ट्स। अभी मार्केट खुलने में बहुत टाइम है, लाइक 10-10:30 बजे से पहले नहीं खुलेगा। एंड एक चीज़ आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट आई विल मस्ट शेयर दैट किसी भी बंगाली को पूछो तो ही विल डेफिनेटली से अगर 2-3 दिन का छुट्टी मिला आइधर लोग जाएगा दीघा और आइधर लोग आएगा दार्जिलिंग। और ये देखिए कैसे क्लाउड्स अंदर आ रहे हैं, देख के एकदम दिल खुश हो जाएगा। तो ऊपर जो साइन बोर्ड आपको दिख रहा है लिखा है जू एंड हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दैट इज नोन एज HMI इज ऑन द राइट साइड। बट अभी जू का खोलने का टाइम नहीं हुआ है, वो छोड़ के हम लोग फिर से मेल की तरफ ही जा रहे हैं और वहां जाके थोड़ा चाय का दुकान सर्च करना पड़ेगा। बोलते बोलते बारिश स्टार्ट हो गया जो लास्ट 2 दिन से हम लोगों ने नहीं देखा। फाइनली वी गॉट सम रेन। वी आर एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग। वी एक्चुअली एक्सपीरियंस एवरीथिंग। हम लोगों को सनलाइट मिला, रेन मिला, स्नोफॉल नहीं मिला, ओनली दैट थिंग। हम लोग वो रेनबो कलर का वो छाता होता है ना वो ढूंढ रहे हैं, बड़ा वाला, यस, उसमें 2-3 लोग फिट हो जाएगा एक साथ। सो आई एम एक्चुअली रनिंग बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गेट ड्रेंच्ड। तो हम लोग इधर से स्टार्ट किए थे वॉकिंग और पूरा एक राउंड मार के इधर आके खत्म हुआ। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग एकदम भी फिट नहीं है। ये बाकी के लोग इतना दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये देख के थोड़ा बहुत तो एंथुसियाज्म मिला, बट वो डेली फिटनेस लेवल होता है ना वो बहुत ही कम हो गया है, वो थोड़ा बहुत ठीक करना पड़ेगा, देन इट्स फाइन। तो कैसा लगा ये स्पोर्ट? मैंने पूछा, इसका नाम है ताइकंडो। हम लोग को भी ऐसा ट्रेनिंग मिलता तो कितना अच्छा होता। अभी बारिश थोड़ा कम हुआ है, आई होप आई डोंट कैच एनी काइंड ऑफ फीवर आफ्टर गेटिंग ड्रेंच्ड इन सच काइंड ऑफ मॉनसून रेन। ऑलरेडी 11:45 इन द मॉर्निंग। होटल का जो लोकेशन है ये बहुत ही अच्छी जगह पे है क्योंकि सामने रेस्टोरेंट, ATM और उधर मॉल रोड सब कुछ नज़दीक है, तो आपको ज़रा दूर तक जाना नहीं पड़ेगा और यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी आसानी से आपको मिल जाएगा। लाइक सच बताओ तो होटल छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा है क्योंकि दार्जिलिंग सिटी इतना खूबसूरत है, बट रात को 9 बजे ट्रेन है तो थोड़ा बहुत लंच करके हम लोग निकलेंगे फॉर NJP। तो अभी गाड़ी भी बुक करना है, देखते हैं कब बाकी लोगों का होता है और चेकआउट करते हैं। एक्सपेक्टेड लाइक विद इन 30 मिनट्स वी विल चेक आउट। सबसे अच्छा पार्ट ये लगा कि ये जो बैरिकेड है आसानी से हम लोग इसको क्रॉस करके नेक्स्ट रूम पे जा सकते हैं, लाइक दिस। सो गाइज यू आर रेडी? या एंड अगेन फ्रॉम द साइड रूम टू
my room. Very simple way to just cross and go inside that room. So it seems today we are having some sort of bad luck because morning pe barish mila aur abhi Caventers ghum ke aaye to wahan pe bhi Caventers band hai due to some sort of renovation. Best part is this is not a bad luck, I will say this is an opportunity because every time we come to Darjeeling we always go to Caventers and Glenaries. Every people does that, so now today what we are doing is that we are using this opportunity to explore some local foods over here. We will be trying Himalayan Cafe which is also famous, so let's see how it goes. आपको ये घड़ी देख के कौन सा मूवी का याद आ रहा है? कैन यू गेस? बताओ बताओ, याद करो, हिंट दे दो थोड़ा. रणबीर कपूर का मूवी था, जो बर्फी मूवी का शूटिंग हुआ था वो यही पे हुआ था, ये घड़ी का जो सीन था. तो थोड़ा इधर उधर भटकने के बाद फाइनली हमको हिमालयन जावा कैफे मिल गया. हम लोग गलती से दूसरे साइड चले गए थे. ये वाला सीट ले लो ना. अच्छा एकदम. Finally we got this place, right? Yes. Bag. Any recommendation from your side? Like facility, anything? Pancake is good. Chocolate chip pancakes. See what have we got here? A colorful pencil, a drawing book, and Tata is currently drawing a scenery. I don't know what he's trying to draw, but I guess he's enjoying, right? Yeah, actually, he's enjoying. I just want to recapitulate my childhood memories by drawing some scenery. Nice drawing. Look what I have got, a beautiful painting inside this notebook. It shows Himalayan Java coffee along with lots of confessions and lots of feedback. I don't know what kind of sign language it is, and this one also. Such a nice disclaimer. Smile when you see this. सॉसेज खा रहा हूँ. सॉसेज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है एंड क्वांटिटी भी थोड़ा कम दिया है, बट क्वालिटी इज टू गुड. वी शुड मस्ट रिकमेंड प्लेस इफ यू आर कमिंग टू मॉल रोड, हिमालयन जावा कैफे. तो ये खाना खत्म करके आप लोगों से मिलता हूँ. शुभजीत, व्हाट आर यू ट्राइंग टू ड्रॉ हियर? प्लीज डिस्क्राइब. व्हाट इज दिस? दिस इज योर वाइफ. आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ. यस, रियली अप्रिशिएट इट. Thank you. So done with Himalayan Java Cafe. Now we are heading towards Glenaries. It's the same place where we did dinner yesterday night, and here we will be having red velvet cake. So let's get inside. I think it's lemon tart. Yes, this is jam tart. This is chicken cheese pie. This is blueberry muffin. This is apple muffin.
This is the most desired red velvet cake. This is chicken roll. Chicken roll, okay. Show the chicken stuffs like on this camera. Keep it one for me. Yeah. Have it. And give your first review. Nice. So I'll just give it a bite and after that we'll give it a shot. If you're asking me, is it good? It is good. Is it to die for? No. This is not something for which I will travel across the world, but I will come back here. The absolutely the best confectionery that ever I had in my life. Delicious. तुम्हारा बर्थडे पे नहीं आ पाया तो बिलेटेड बर्थडे सेलिब्रेट कर लो. हैप्पी बर्थडे. अच्छा है ना, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा. सो वी आर हियर एट द रूफटॉप व्यू. दिस प्लेस इज टोटली कंजेस्टेड. यस्टरडे वी आर टोल्ड दैट this place are completely booked for a party purpose, so we are not allowed to sit here. I have Orko with me, who have tasted this red velvet cake way back in 2015, right? In 2015 as well as in 2013. So right now he will give proper review after tasting it almost for 4 years. So what's your take? Whatever I have tasted in 2015, if I compare it with that, so I would say it's 6 out of 10, if that was 10 out of 10. Yeah, for so us. I am actually, I haven't enjoyed it really. But yes, the rest of the food was good, but it's not to die for. You can come and have a visit for once, not more than for that. Us, we are having it for the first time, so it's okay type. Theek hai, no problem, but theek hai. Taste karna tha, ho gaya. Hum log do teen item ek saath leke taste kiya, thoda thoda bite karke. Do teen item bahut hi achha laga. To baki ke log plan kar rahe hai ki kaun sa item ghar ke liye leke jaye. To itna confectionery khane ke baad kuch muh mein thoda change chahiye. तो पान फान खाना पड़ेगा. राइट नाउ वी आर एट मॉल मार्केट. सुबह जब आए थे तो एकदम ओपन नहीं हुआ था. आफ्टर 10 इफ यू आर कमिंग देन इट विल बी कम्प्लीटली ओपन एंड रेस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग गोलगप्पा और फुचका. ये कैसा मिर्ची है, कहाँ का है? लोकल लोकल मिर्ची. तो ताता व्हाट यू हैव बॉट? एक्चुअली आई हैव बॉट अ स्टोल फॉर अ लेडी. फॉर अ लेडी, ओके, लकी वन. या शैल आई कंसीडर योर गर्लफ्रेंड? यस. Virtual one? No, actual one. Juventus, Arsenal, PSG, FCV, and last but not the least, Chelsea. Sanjay, you want to buy this many versus? Yes, but this is not my size. So just now reached at HMI Himalayan Mountain Institute and the zoo, and it's raining quite a lot and we are just stopping there for like 15-20 minutes and just waiting when the rain will stop. A great hats off to these people's willpower. So this is the guide map for the Padmaja Naidu Himalayan Geological Park. There are some to do and not to do list also. So finally we made it. Yes. I know we won't get to say anything, but still. मैं बहुत देर से बोल रहा था कि हाथ में टाइम कम है, इसको कैंसिल करते हैं, बट ही केप्ट ऑन पुशिंग अस. और फेलो टीम मेंबर ऑर्को इज वेरी मच एक्साइटेड टू विजिट दिस प्लेस. आपको दिख रहा है फर्स्ट व्यू पॉइंट, बाइसन दिख रहा है वहां पे. बहुत अच्छी तरह से पोस्ट दिया है हम लोगों के लिए. हेलो हेलो हेलो, बोलते बोलते एक तेंदुआ दिख गया. आपको दिख रहा है कितने बेचैनी से वो घूम रहा है. एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी इन लोगों को शूट कर रहे हो, इन लोगों को डिस्टर्ब मत करो. मैंने गलती से पुकार लिया तो बाकी के लोग मेरे को बोल रहा था मत करो, एंड आई टोटली एडमिट माय मिस्टेक. तो इधर एक और साइन बोर्ड लगा हुआ है कि किस तरफ कौन सा जंतु तुमको दिखने को मिलेगा. ब्लैक लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड, कमल लियोपर्ड.
So done with the zoo, we are entering HMI, known as Himalayan Mountaineering Institute. Ticket liya tha 60 rupees ka. Uske andar ye dono ye HMI aur zoo cover ho jata hai. Aur camera agar aap la rahe ho to uske liye 10 rupees aapko alag se pay karna pade. So let's give a small overview of this HMI Institute. Particularly, it was established in Darjeeling on 4th of November 1954. Basically, to encourage mountaineering as an organized sport in India. Udhar jo aap dekh rahe ho, wo mountaineering institute ka part hai. Wahan se aapko ticket leke andar film show aur mountaineering ka bahut sara exhibition bhi dekhne ko mil sakta hai. To a complete package for all those mountain lovers, those who want to pursue their career, particularly in this sector. To ye jagah ka complete 360 degree overview aapko dikha raha ho. अभी तो थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है, उसके लिए भीड़ कम है. एंड पीछे जो आपको मूर्ति दिख रहे हैं, ये है सर एडमंड हिलारी का, विच वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 25th March 1997. सच ए नाइस एंड काम एटमोसफियर करेंटली वी आर सीइंग. दो आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट टाइप ऑफ मंत्र इट्स रिटन इन दिस काइंड ऑफ फ्लैग्स. तो फॉर्चुनेटली म्यूजियम ओपन है, बट अंदर कैमरा लेना सख्त मना है. तो आई एम शटिंग डाउन माई कैमरा राइट नाउ. बाहर से निकलने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ. सो हाउ वॉज द एक्सपीरियंस इन साइड म्यूजियम? इट्स ऑसम, बट आई विश वी कैन स्टे लिटिल लॉन्गर सो दैट वी कैन रीड ऑल द थिंग्स एंड वी कैन गेट टू नो मोर. इज देयर एनी गाइड अवेलेबल टू शोकेस ऑल द थिंग्स? सो देयर आर एवरीथिंग रिटन लाइक डिस्क्राइब्ड वेल, सो यू विल अंडरस्टैंड. तो बोलते बोलते रॉयल बंगाल टाइगर के पास आ गए हम लोग, जो प्रॉपर हम लोग सुंदरबन में देखते हैं वही है अभी. सो वी आर कम्प्लीटली साइलेंट बिकॉज इफ वी मेक साउंड टाइगर भाग भी सकता है. तो एकदम साउंड क्रिएट करना सख्त मना है. चुपचाप टाइगर को देखो, फोटो उठाओ. फिर से आ रहे, फिर से आ रहे. वेट वेट वेट, प्लीज कम 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 कम. अरे बैड लक. ये देखिए, ये है टिपिकल हिमालयन उल्फ. मुझे डर भी लग रहा है कि कभी भी अगर ये तरफ आ गया तो, मुझे लगता नहीं वो आएगा, पर फिर भी सेफ्टी फर्स्ट. लगता है बहुत भूखा है. आई डोंट नो बट द वुल्फ मस्ट बी एनॉयड टू सी दिस कैमरा. मन ही मन सोच रहा होगा कि इसको सामने मिले तो पक्का खा जाऊंगा. खाना देना है तो दो, नहीं तो शूट मत करो, गॉड नोस. सो आफ्टर दैट हिमालयन उल्फ सेक्शन वी रीच टू द बियर सेक्शन. यहाँ पे एक ही बियर दिख रहा है, नोन एज एशियाटिक ब्लैक बियर्ड. तो सीधा आपको दिखाते हैं बियर्ड. वो हम लोगों से भाग के ऊपर जा रहे. हेलो हेलो हेलो. इतने बार बुलाया दिखता ही नहीं है. लगता है वो हम लोगों से चिढ़ गए हैं, इतने बार बुलाया देखा ही नहीं. तो अभी टाइम ना वेस्ट करके सीधा रेड पांडा के सेक्शन की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये दार्जिलिंग का जो जू है वो ये रेड पांडा के लिए ही फेमस है. अभी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ. ये है हम लोग का पांडा और उधर है रेड पांडा. द टैगलाइन शुड बी पांडा कॉलिंग पांडा. आई नो दिस गोप्रो इज नॉट डूइंग जस्टिस टू शो द पांडा राइट नाउ. पिंगली की तरफ पॉइंट करके देखो, वो एकदम दैट वन. That one is red panda. It will be closed around 4:30. तो हाथ में सिर्फ 20 मिनट ही है और हम लोगों को वापस मॉल रोड जाना पड़ेगा. उधर से NJP के लिए गाड़ी भी लेना पड़ेगा. तो हाथ में टाइम थोड़ा कम है, थोड़ा जल्दी भागना पड़ेगा. तो अभी एक छोटा सा बैड न्यूज़ है. दार्जिलिंग से NJP मतलब न्यू जलपाईगुड़ी जाने में गाड़ी का भाड़ा विल बी अराउंड 1500 से 1400. और आज बोला कुछ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एग्जाम है तो उसके लिए गाड़ी मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. तो बहुत बार्गेनिंग के बाद वी गॉट अराउंड 2000, राइट? तो अभी यही बोल सकते हो स्टील डील है, इसको हम जाने नहीं दे सकते. सो इफ यू आर प्लानिंग टू HMI एंड जू, दिस इज द रेट 60 रुपीज. फॉर फॉरेनर 100 रुपीज. तो अगर आप कैमरा कड़ी कर रहे हो तो इट्स ओनली अबाउट 10 रुपीज. टाइम भी अच्छी तरह से देख लो, इट्स फ्रॉम 8:30 AM टू 4 PM एंड राइट नाउ इट्स 4:15 एंड वी जस्ट केम आउटसाइड फ्रॉम द जू. अभी एक छोटा सा गुड न्यूज़ ताताई और आकाश ने फ़ोन करके हम लोग को दिया. पहले प्लान था कि मॉल रोड से ड्राइवर हम लोग को पिकअप करेगा, बट थोड़ा 200 रुपये ज़्यादा ऑफर करने से वो सीधा HMI इधर से ही हम लोग को पिकअप कर रहे हैं. थैंक गॉड अभी दौड़ के वहाँ जाना नहीं पड़ रहा है. टाइम है हाथ में, 4-4.5 घंटे बफर टाइमिंग है. ऐसा नहीं है पहुँच जाएंगे, बट यू नेवर नो,
ये बारिश के टाइम पे कुछ भी हो सकता है, तो हाथ में टाइम एक्स्ट्रा टाइम रख के चलना चाहिए. तो समहाउ वी मैनेज टू रीच एट न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन ऑन टाइम. वी रीच इट अराउंड 8:30 एट नाइट एंड आवर ट्रेन इज अराउंड 8:45. सो रियली इट वॉज अ हेल ऑफ अ राइड. दिस इज द एंटायर टीम and they are all very much tired. I'll not say tired, but I know Sanjay is geared up for his next trip. So when is the next trip coming? 11th October. Don't tell the name here. And iske bina vlog pura adhura hai ekdam. Orko, it's really pleasure to meet with you. So memorable journey, yeah. And we are quite pleased that Shubhajit Bagh joined all of us. The wonderful journey of 3 days has come to an end. From tomorrow onwards, it will be office, home, repeat, and so on. So like what I told before going to that Himalayan Mountain Institute, like I was like, okay, I will not go because it's raining. I need to go back. But Sanjay was the only guy who was continuously pushing us. Let's go, let's go, let's go. And we did it. So we are all proud of him, and we yes, are all definitely. Proud of this entire team member. Absolutely. And I am very much happy to get this guy Orko and Shubhankar in my travel gang. So honestly speaking, all the people are very much dejected. Kal se wohi same office life, uske baad ghar aao, yahi chalta rahega. But I believe like this only our life goes on. So with that said, aaj ke liye bas yahi pe khatam karte hain vlog ko. I hope you guys have really enjoyed this 3-part North Bengal travel diaries. And if you are new to the channel, please do subscribe my channel to get notified about such more food and travel vlogs. God knows which destination is waiting for us in near future. Till then, goodbye, take care, see you soon.